हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जितूसा ब्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक में पर्सनल लोन कैसे ले, पूरा प्रोसेस बताएंगे। ऑनलाइन घर बैठे पर्सनल लोन कैसे ले HDFC बैंक में, विद इन ए सेकेंड हमें अप्रूवल पता चल जाएगा हम कितने के लिए एलिजिबल है और कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। और हमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और विद इन 2 डेज के अंदर हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। और 10 सेकेंड में अप्रूवल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जितूसा ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का जो आइकन शो कर रहा है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। गूगल पे टाइप करते हैं HDFC लोन 10 सेकेंड, ठीक है। हमने टाइप किया यहाँ पे पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन एंड गेट मनी इन 10 सेकेंड्स, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये दोनों के लिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है HDFC बैंक में तो भी आप ले सकते हैं लोन, अगर है तो भी बढ़िया है, नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। मीन्स सभी लोगों के लिए ये लोन से, ठीक है। तो ये क्या देखो यहाँ पे दिया है, जियो शान से विद HDFC बैंक पर्सनल लोन, ठीक है। ये सब उसका फ्लेक्सिबल है, ये सब पूरा टर्म्स कंडीशन है। इसमें जो डॉक्यूमेंट ब्राउजर है और इसमें पर्सनल लोन बेनिफिट जो बताया है, देखिए EMI स्टार्टिंग एट ₹2174 लाख, 1 लाख के ऊपर 2174 रुपये लगेगा, 2174। एंड लोन अप टू 40 लाख तक मिलेगा रुपीज़, और लोन डिसबर्सल इन 4 आवर्स, और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा ये बताया है। अगर उसके फीचर्स के बारे में जाते हैं तो चलिए फीचर्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे अनमैच बेनिफिट, इंस्टेंट फंड, अट्रैक्टिव रेट्स एंड ईजी EMI, ठीक है। गेट पर्सनल लोन इन क्विक टाइम, अप्लाई ऑनलाइन फॉर पर्सनल लोन, प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर है, पर्सनल लोन सिक्योरिटी है, एंड गेट पर्सनलाइज प्रोडक्ट 11.39 में इनका पर्सनल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। फ्लैट प्रोसेसिंग फ़ी ओनली ₹1999 है, और ट्रांसफ़र योर लोन बैलेंस अप्लाई नाउ। तो हो गए बेनिफिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं। इसे देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी डॉक्टर, CA, एम्प्लॉयज़ ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एम्प्लॉयज़ फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, ठीक है। ये सब अप्लाई कर सकते हैं, और ये इंडिविजुअल बिटवीन 21 to 60 ईयर्स ऑफ एज, इसे अप्लाई कर सकते हैं 21 से 60 साल के लोग, ठीक है। और इंडिविजुअल हु हैव हैड अ जॉब फॉर at least 2 years with minimum of 1 year with the current employee, अगर current employer उसे total experience 2 साल का हो और 1 year उनका current employer हो, ठीक है, वो apply कर सकते हैं। Those who earn a minimum of 15,000 net income per month, 20,000 in Mumbai, Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune, Kolkata, Ahmedabad, Cochin, इन्होंने बताया है जिसका मिनिमम सैलरी 15,000 है वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं। और अगर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, कोचीन यहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे मिनिमम सैलरी 20,000 होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन, एक तो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। और एड्रेस प्रूफ के लिए कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से किसी एक को डॉक्यूमेंट देना है।
और बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 3 मंथ, पासबुक ऑफ प्रीवियस 6 मंथ। इन्होंने बोला है बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आप 3 मंथ का दे सकते हो और या फिर पासबुक का जेरोक्स 6 मंथ का दे सकते हो, ठीक है। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप, अगर इनकम प्रूफ देना है तो इन्हें लेटेस्ट सैलरी स्लिप देना है, करंट डेट सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 16। अगर फॉर्म 16 है तो वो दे दीजिए और लेटेस्ट सैलरी मंथ का सैलरी लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट रेट एंड फीस पे चलते हैं, ठीक है। इनका क्या फीस वगैरह है, एनक्लोज बिलो आर HDFC बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस। फी जो बता रहा है यहाँ पे रैक इंटरेस्ट रेट सैलरी 15.50 to 21.50, लोन प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। लोन प्रोसेसिंग चार्ज जो है अप टू 2.50% ऑफ लोन अमाउंट, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹1,999 एंड मैक्सिमम ऑफ 25,000 फॉर सैलरीड कस्टमर। मतलब मिनिमम 1,999 से लोन प्रोसेसिंग फीस चार्जेस शुरू होता है और 25,000 तक है इनका, और वो तो डिपेंड है जितना आपको लोन पास होता है उसके ऊपर आपका चार्जेस लगेगा प्रोसेसिंग फीस। और प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल सैलराइड के लिए, नो प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल परमिटेड अनटिल रिपेमेंट ऑफ 12 EMI। पार्ट अगर 12 EMI के बीच में प्रीपेमेंट करते हो, क्लोज करते हो, अनटिल रिपेमेंट ऑफ 12 EMI तो कोई चार्ज नहीं है। पार्ट पेमेंट अलाउड 25% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, इट इज़ अलाउड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में एक बार ही कर सकते हैं, एंड ट्वाइस ड्यूरिंग लोन टेन्योर, ठीक है। लोन क्लोजर लेटर नील, कोई चार्ज नहीं है। डुप्लीकेट लोन क्लोजर लेटर, वो भी चार्जेस नहीं है। प्री पेमेंट चार्जेस सैलराइड के लिए 13 से 24 मंथ 4%, 13 से 24 के बीच में प्री पेमेंट करते हो तो। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 25 से 36 मंथ के लिए 3% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, 36 मंथ के बाद 2% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल, चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ EMI 2% पर मंथ ऑन EMI प्रिंसिपल ओवरड्यू सब्जेक्ट टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹200। फ्लोटिंग रेट नॉट एप्लीकेबल, चार्जेस फॉर चेंजिंग फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट दैट विल रिमेन एट अ प्री डिटरमाइंड रेट फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द लोन ऑफ इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। स्टैम्प ड्यूटी और अदर स्टेचुरी चार्ज एज पर एप्लीकेबल लॉज ऑफ द स्टेट, स्टेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी और अदर स्टेचुरी चार्ज लगेगा, ठीक है। क्रेडिट असेसमेंट चार्जेस नॉट एप्लीकेबल, नॉट स्टैंडर्ड रीपेमेंट चार्जेस नॉट एप्लीकेबल, चेक स्वैपिंग चार्जेस 500, अमोर्टिजाइजेशन शेड्यूल चार्जेस 200, लोन कैंसिलेशन चार्जेस नील, ठीक है। चेक बाउंस चार्जेस 550 पर चेक बाउंस, लीगल इंसिडेंटल चार्जेस एट एक्चुअल रेट ऑफर टू कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2018 टू जून 2018, मिनिमम IRR 10.75%, मैक्सिमम IRR 21.28%, एवरेज IRR 12.99%, ठीक है। एनुअल परसेंटेज रेट ऑफर टू कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल 2018 टू जून 2018, मिनिमम APR 10.76%, मैक्सिमम APR 25.26%, एवरेज APR 13.21%। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड अदर लेविस एज एप्लीकेबल विल बी चार्जेस चार्ज ओवर एंड अबो द फीस एंड चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल लोन के बारे में सारे डिटेल्स, सारा डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीचर्स, ओवरव्यू, ठीक है। तो अगर इसे हमें अप्लाई करना है, देखिए ये हम इतने कारणों से अप्लाई कर सकते हैं। हैप्पीनेस, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम द फ्रेंड टू पे योर वेडिंग, सिचुएशन इन विच अ पर्सनल लोन कैन बी योर सेवियर, 8 वे टू मैनेज योर लोन्स बेटर, 9 स्मार्ट वे टू स्नैप आउट ऑफ डेब्ट ट्रैप टुडे, ठीक है। तो अगर ये अप्लाई करना है हमें तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये लोडिंग हो रहा है, प्रीलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, उस पे हमें OTP आएगा, वो OTP डालना है इसमें, ठीक है।
तो ओटीपी डाल देते हैं इसमें। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा। चलिए हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे को जिस नाम पे अप्लाई करना है उस नाम डाल दीजिए। मुझे तो अप्लाई नहीं करना है, मैं आपको बात से आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए डाल देते हैं राजू, ठीक है। सर नेम जो भी है शर्मा, राजू शर्मा डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पूछता है उनका, तो डेट ऑफ बर्थ में हम डालते हैं ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए उनका ईयर है 1980, तो 1980 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और मंथ मान लीजिए उनका है जून और डेट 5, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया पूछता है मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता, कहीं पे भी हो, जहाँ भी हो। चेन्नई मान लीजिए, चेन्नई का हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो और ये फिर उसके बाद पूछेगा पर्सनल लोन, करंट रेजिडेंस इज कंपनी प्रोवाइडेड है या हॉस्टल है, ओन बाय पेरेंट्स, सिबलिंग एंड ओन बाय सेल्फ स्पाउस, पेइंग गेस्ट, रेंटेड, स्टेइंग अलोन, रेंटेड विद फैमिली, रेंटेड विद फ्रेंड्स। तो जो भी है वो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे ओन बाय पेरेंट्स है तो पेरेंट्स कर दीजिए, पेइंग गेस्ट है तो पेइंग गेस्ट, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, हॉस्टल है तो हॉस्टल। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं कंपनी प्रोवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट वो कंपनी का नाम पूछे, मतलब पूछेंगे आपका कंपनी कैसा है, सैलराइड हो या सैलरी डॉक्टर हो। तो यहाँ पे हम सैलरीड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जहाँ पे हम काम करते हैं वो कंपनी का नाम मान लीजिए अमेज़न कंपनी है, अमेज़न पे हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगा अमेज़न, ठीक है। अमेज़न सेलेक्ट कर लिया कंपनी का नाम, फिर नेक्स्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंडस्ट्री टाइप, तो इंडस्ट्री कौन सा है, अमेज़न, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, कंसल्टिंग, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंश्योरेंस, ITS, हॉस्पिटल, लीगल सर्विसेज, मैन्युफैक्चर, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर एंड पोर्ट्स, PSU एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, रेलवेज, स्पोर्ट्स एंड अदर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टॉक एंड कमर्शियल ब्रोकिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, टूर्स एंड ट्रैवल्स, टेलीकॉम एंड सर्विसेज में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंगरेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुरियर एंड फ्रेंड डिफेंस सेक्टर, मान लीजिए कुरियर का है तो कुरियर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अमेज़न कुरियर का भी कुछ जो भी है ये सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी, मान लीजिए टाइप ऑफ कंपनी सब एग्जांपल दिया आपका जो है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। MNC कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करते हैं। एज ऑफ कंपनी, कितने साल से आप काम कर रहे हो, यहाँ पे 2 years, 3 years डाल देना है। टोटल नंबर ऑफ, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय वहाँ पे कितने, 50 है, 50 के ऊपर है तो 50 के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। और हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, सैलरी कैसे आपको मिलता है, डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट, वाया कैश, वाया चेक। तो डायरेक्ट डिपॉजिट होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करना है यहाँ पे मंथली सैलरी, व्हाट इज़ योर मंथली सैलरी। तो अगर 50,000 है, 40,000 है, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, मान लीजिए 40,000 है तो 40,000 डाल दिया हमने, ठीक है। एक्सिस्टिंग मंथली EMI अगर आपको कोई चल रहा है, मान लीजिए 4,000 का चल रहा है तो 4,000 रुपये अमाउंट डाल दे रहे, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है सैलरी क्रेडिट टू HDFC बैंक में, अगर सैलरी क्रेडिट होता है तो इस पर टिक पे क्लिक करिए, नहीं हो रहा है तो गेट ऑफर पे क्लिक करिए, ठीक है। और इसे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं।